नमस्कार, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। हाल ही में देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया, जिसने देश के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से हिला के रख दिया। और इन्हीं बड़े घोटालों के बीच कुछ छोटे घोटाले होते हैं जो जनता के सामने नहीं आ पाते हैं। ऐसा ही एक घोटाला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में हुआ, जहाँ पर IGF इन इंडिया निधि लिमिटेड द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़े लोगों से यह पूरा मामला क्या है। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है और मैं गुड़गांव की एक IT कंपनी में काम करता हूँ। पिछले 7-8 महीने से उस कंपनी में हूँ। और यही मुझे मतलब लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से मुझे IGF निधि बैंक का किसी ने बताया था। तो वहाँ के कर्मचारी मेरे पास आए, उनका नाम था पार्थ भाटिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं ब्रांच मैनेजर, पता नहीं सेल्स मैनेजर हूँ उसमें IGF निधि बैंक में, और आपका कैसा भी लोन है। मेरा थोड़ा सा सिविल डाउन था, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के कि चलो सर आपका सिविल होगा, मैं पास करवा दूंगा, कोई भी लोन आपको चाहिए मैं दिलवा दूंगा। तो क्या कि हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो हमने उनको फाइल वाइल दी, वो हमारे घर आए, सब कुछ बातचीत हुई। तो उन्होंने 10 या 5 दिन के अंदर में मेरे को सेंक्शन लेटर भी दे दिया। मतलब इतना फास्ट काम किसी बैंक में होता नहीं है जनरली, बट उन्होंने कहा कि हमारी इतनी पावर है, पार्थ भाटिया ने बोला कि मेरी इतनी पावर है कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। हमने कहा चलिए ठीक है। तो 14 फरवरी को मुझे सेंक्शन लेटर मिला मेरे लोन का, मैं खुश हो गया, मैं कि चलो भाई ये काम हो गया बड़ी जल्दी। तो मेरा फेथ बहुत बढ़ गया पार्थ भाटिया के ऊपर। तो उन्होंने इस तरह से फेथ गेन किया पहले हम लोगों का। फिर उन्होंने बोला सर आपकी 1 हफ्ते में रजिस्ट्री करवा दूंगा मैं। तो मैंने कहा फिर उसका क्या प्रोसेस है। उन्होंने जो प्रोसेस बताया थोड़ा मुझे ऑड लगा, बट क्योंकि बैंक था तो मैंने उस पर रिलाई कर लिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको लोन मतलब पहले आपको स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उनके बैंक के अकाउंट में, IGF के अकाउंट में। तो उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर दिया। मैंने कहा यार ऐसा क्यों होता है, मैं खुद बाय कर लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हमारा प्रोसेस है कि आप हमारे यहाँ पहले जमा कर दीजिए, हम आपके बिहाफ पे स्टाम्प पेपर बाय करेंगे और फिर हमारा वकील ही आपको कोर्ट में लेके जाएगा और सारी रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रोज़ का काम है ये। तो मुझे लगा चलो भाई ऐसा होता होगा भाई, बैंक में आजकल नई फैसिलिटी आ गई होंगी। तो वो सोच के मैंने उनको टोटल 96,000 जो मेरा बन रहा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बैंक में 15 तारीख को ही। और उसकी कंफर्मेशन मैंने पार्थ भाटिया को भेजी व्हाट्सअप पे। संगीता मैम थी उनके ब्रांच में, शायद ब्रांच मैनेजर हैं कौन है, उनको भी कंफर्मेशन दी व्हाट्सअप पे, उन्होंने कंफर्म भी किया हाँ रिसीव। फिर मैं 2-3 दिन बाद उनसे पूछा कि अगर जो मेरी कंफर्मेशन 96,000 आपको मिले हैं तो उसकी रजिस्ट्री आपने वो स्टाम्प पेपर ख़रीदा होगा तो मुझे दिखा दीजिए स्टाम्प पेपर आपने बाय किया है। तो वो टालता रहा कि सर आज दे दूंगा कल दे दूंगा। फिर उसने बोला कि आपकी फ्राइडे को रजिस्ट्री है, तो मैंने कहा चलो रजिस्ट्री की डेट ही दे दो। तो उन्होंने बोला रजिस्ट्री इतनी आसानी से मिल नहीं रही है, हम किसी और यूज़र की रजिस्ट्री पे आपका नाम चढ़ा के आपको रजिस्ट्री करवाएंगे। मैंने कहा चलो वो भी बात मान ली आपकी। फिर फ्राइडे को वो आया मेरे घर पे पार्थ भाटिया, उसने बोला किसी अनफोर्स रीजन की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी आज, तो हम आपको मंडे या ट्यूसडे को करवाएंगे। मैंने कहा चलो भाई 1-2 दिन की बात है। मंडे को मेरे पास फ़ोन आया कि सर ट्यूसडे कंफर्म है। तो मंडे को पार्थ भाटिया को मैंने बुलाया, यार ये कैसे चल रहा है, आगे पीछे करते जा रहे हो, कोई डेट बताओ कंफर्म। तो मेरे घर आया रात को 9 बजे मंडे को, बैठ के उसने डिस्कशन कराया। वहाँ पे मैम थी संगीता मैम से उसने कॉल करवाई। संगीता मैम ने मुझे फ़ोन पे बोला कि अगले दिन यानी ट्यूसडे को 3 बजे आपको जनकपुरी कोर्ट में जाना है, वहाँ रजिस्ट्री आपकी। मैं खुश हो गया। तो मंडे को हम सुबह नहा धो के 11 बजे तैयार हो गए कि चलते हैं, ब्रांच जाने का टाइम आया। तो हमारे पास 11 बजे कॉल आती है संगीता मैम की कि किसी अनफोर्स रीजन की वजह से, पता नहीं लॉयर या उनका जो भी था ब्रांच हेड देवेंद्र सर करके, उनकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो आज नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप ऐसा क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, आप मेरे को ना मेरे जो स्टाम्प पेपर आपने ख़रीदे हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं आपकी ब्रांच से कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं खुद जनकपुरी ब्रांच चला जाऊँगा कोर्ट में, वहाँ से एक वकील हायर करके मैं अपनी रजिस्ट्री खुद से करवा लूँगा। तो उसने फ़ोन काट दिया और उसके बाद से फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सेम पार्थ भाटिया ने भी उसके बाद से मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं किसी तरह गूगल की हेल्प से पहुँचा द्वारका। द्वारका में जब हम ब्रांच पर पहुँचे तो ब्रांच पर ताला लगा हुआ था, तो ताले पे उस पर वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बेसिकली 21, 22 और 23 को ब्रांच बंद है ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। वहाँ पे 2-4 लोग और आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे आसपास से पूछा तो लोगों ने बोला कि तो बंद है बैंक। फिर हम लोगों ने किसी लेडीज़ ने वहाँ पे जो थी जिसका था केस, उसने 100 पे कॉल करा तो पुलिस आई। पुलिस हम सबको सेक्टर 9 थाने में ले गई कि चलिए आप वहाँ, यहाँ पे हल्ला करने से कुछ होगा नहीं। तो वहाँ पता नहीं किस तरह से जो उनके इम्प्लॉज थे 2-4 वो भी इकट्ठे हो गए, उनको फ़ोन करा उन्होंने कि यहाँ आ जाओ, उनको भी थाने में लाया गया।
थाने में जब हम लोग पहुँचे सेक्टर 9, तो पुलिस ने मतलब क्या कह सकते हैं, वो जो एम्प्लॉई थे वो खुद का विक्टम गेम खेल रहे थे कि हम लोग खुद विक्टम है, हमारी 3 महीने से सैलरी रोक रखी है इसने, ठीक है, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ चले गए 3 दिन से, हमको नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, हम उनसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या बताएंगे। ये सब करके पुलिस ने उनको सीरियसली नहीं लिया, उनके एम्प्लॉयज़ को फोर्सफुली रखा नहीं अपने पास, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं हुए। हम लोगों के जितने 5-7 लोग थे उनकी अलग अलग कंप्लेन लिखने के बजाय उन्होंने बोला एक पेपर पे एक जना लिख दो, सब उस पर अपना नाम लिख दो और एक कंप्लेन रजिस्टर कर ली। उसके बाद वो लोग भी निकल गए जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, हम लोगों को भी 3-4 घंटे रोक के जाने दिए कि आप लोग भी चले जाइए। तो मेरा कहना है कि इतनी आसानी से पुलिस वालों ने भी उसको जाने दिया, मतलब बैंक के कर्मचारियों को जाने दिया, और पता नहीं अब क्या होगा। हम लोगों का बहुत पैसा है, कुछ लोगों का 2 लाख है, मेरा 1 लाख रुपया था, कई लोग गरीब लोग भी थे जिनका 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार रुपये भी था, वो लोग भी थे वहाँ पे। तो मतलब इन्होंने हर तरह के लोगों का शोषण किया हुआ है, जैसे जो मिल जाए उसको बनाओगे उसको। सर, SI सेक्टर द्वारका 10 के अंदर एक IGF इंडिया लिमिटेड निजी बैंक है, इसने क्या किया है, सब लोगों के साथ फ्रॉड करा है बैंक का, ठीक है। सबसे रजिस्ट्री के नाम पे पहले तो उन्होंने सेंक्शन लेटर दे दिया है कि भाई आपका लोन इतना सेंक्शन हो चुका है, ठीक है, और आप पे रजिस्ट्री के नाम पे उन्होंने फिर सबसे पैसे लिए, किसी से 1.38 लिया है, किसी से कुछ लिया है, ठीक है। मेरे 1,90,000 रुपये ले चुके हैं ये, ठीक है। अब पूरा बैंक भाग चुका है, और जो उनका स्टाफ था वे भी यहाँ पे आए हुए थे, उनकी सैलरी वगैरह ये सब, कोई दीपक सोलंकी नाम है, 8 साल के अंदर रहता है, ठीक है, वो ओनर है। पुलिस ने एम्प्लॉय से भी कुछ नहीं करा, अभी ना एम्प्लॉय, यहाँ पे सारा स्टाफ था उनका, कम से कम 20 जनों का स्टाफ था, सेल्स बंदे भी थे, अकाउंट वाले भी थे, और जो उनकी लड़कियाँ होती है वे भी थी, ठीक है। उन्होंने किसी का कोई ना किसी की स्टेटमेंट नोट करी ना कुछ करा उन्होंने, क्या भाई कोई क्वेश्चन पुटअप करा ही नहीं, ना क्रॉस क्वेश्चन होता, वो कुछ नहीं करा इन्होंने। जैसा कि लोगों ने बताया कि उनके साथ यह धोखाधड़ी उनको लोन दिलाने के नाम पर की गई, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत द्वारका के सेक्टर 9 थाने में कर दिया। अब देखना है ये है कि पुलिस इस पूरे मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और इस बैंक से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।